जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय स्वर्ण महासंघ जिंदाबाद 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 बाबू श्री कुमार सिंह अमर रहे अमर रहे अमर रहे। विजय शर्मा जी उनको भी किया जाएगा करनी से ना उधर है सारे सारे संस्थान मेरी जमीन तक इसका क्या उद्देश्य क्या है देश को जिस समाज ने आज़ादी दिलाया उसी देश के 70 साल के तमाम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों ने मिलके आज़ाद दिलाने वाले समाज को कानूनी रूप से गुलाम बना दिया। उसके विकास के लिए एक भी योजना नहीं बनाई, न तो शिक्षा में, न स्वास्थ्य में, न स्वरोजगार में, न रोजगार में, न सामाजिक सुरक्षा में। हमारे समाज को जबरन कमजोर बनाने का काम, लाचार बनाने का काम, सवर्णों को खानाबदोश करने का काम, और अब तो भारत में सामाजिक रूप से गुलाम बनाने का काम ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के साथ तमाम विपक्षी दल कर रहा है। हमको आज़ादी चाहिए, इस देश में कानूनी आज़ादी चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए, इस देश में योजनाओं की आज़ादी चाहिए। और इस आज़ादी के जन जागरण के लिए हम लोग देशव्यापी अभियान चलाए हुए हैं। आज बिहार में सबसे बड़ा आज हम लोग वाहन यात्रा निकाले हुए हैं, जन जागरण यात्रा निकाले हुए हैं, जो 162 किलोमीटर का है, पटना से जमुई तक का। हम सवर्णों के बीच जा रहे हैं, हम आदरणीय बिहार समाज के बीच जा रहे हैं, आदरणीय राजपूत समाज के बीच जा रहे हैं, आदरणीय ब्राह्मण समाज के बीच जा रहे हैं, आदरणीय काय समाज के बीच जा रहे हैं, उनको जगा रहे हैं कि अपने हक अधिकार के लिए एकजुट हो। और इस मामले में तमाम हमारे जो है अखिल भारतीय ब्राह्मण भूमिहार महासंघ के भी अध्यक्ष है, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के भी अध्यक्ष है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और उसके जो कोऑर्डिनेशन समिति के अध्यक्ष बिहार के तमाम लोग हैं। ये केंद्र सरकार पे तो यह बिहार सरकार केंद्र सरकार सब सरकार पे पड़ेगी। अगर हम लोग को बातें नहीं माना जाता है तो ये बहुत बड़ा व्यापी आंदोलन करेंगे। जो मुद्दा हम लोग को दो मेन मुद्दा है, आर्थिक आधार पर आरक्षण दे और SC ST पे जांच होकर इसको लागू किया जाए, नहीं तो जितने सर सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मत आप एक तरफ से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मामला आएगा तो करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का मामला आया तो आप नहीं माने। और राम मंदिर का जो मुद्दा है 70 साल से रुका हुआ है, उसका नहीं आने के बाद भी आप क्यों नहीं बना रहे हैं? जब सरकार के वो एक्सचेंज यदि सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा माना नहीं जा रहा है, उसको रोक दिया जा रहा है, और आप मंदिर के मुद्दे पे आपने इंतजार कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? आपको न्याय देना होगा। हम लोग अब सभी स्वर्ण समाज एक हो गए हैं और आगे अगर कहीं दिक्कत हुआ है, मान नहीं हुआ तो इस सरकार का सभी सरकार को भुगतना होगा। स्वर्ण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।